नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण चावड़ा एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुरुज आश्रम के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मेरी टीम जो कि भरपूर तरीके से आपके सहयोग में लगी हुई है, उनकी तरफ से भी भरपूर 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 हार्दिक स्वागत है आपका। दोस्तों, इस बार फिर से मैं ट्वेल्थ का रिपोर्ट का ही एक अलग वीडियो लेकर आया हूँ। जो रिपोर्ट अलग नहीं है, रिपोर्ट जो कंटिन्यू करेगा आपको पिछले वीडियो से, ठीक है। हमने उसके अंदर आपको बता होगा कि फंक्शन, गेम्स, सोशल फंक्शन और इंसिडेंट की बात करी थी। उन सभी के मैंने आपको कुछ टॉपिक्स के नाम लिखवाए थे और उसके बाद मैंने फंक्शंस के आपको एक पूरा का पूरा सिस्टम लिखवाया था कि किस तरीके से हमें वो पूरा का पूरा सिस्टम फॉलो करना है। तो मैं उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वापस आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आप इन चीज़ों से कनेक्ट कर सकें और सभी की सभी चीज़ों को मैं आपके सामने रख सकूँ। एक क्वेश्चन, उससे पहले आपके सामने उस फंक्शन का पूरा सिस्टम कि आखिर एक फंक्शन लिखा कैसे जाता है, उसकी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको कहा था व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन चार सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था बाय हूम, किसके द्वारा कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके बाद मैंने आपको कहा था चीफ गेस्ट, कोई ना कोई तो चीफ गेस्ट होगा, चीफ गेस्ट का हम वेलकम करेंगे। वेलकम के बाद एक छोटा सा शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑन द स्टेज, प्रिंसिपल स्टेज पर जाएंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट, ठीक है, द चीफ गेस्ट। और चीफ गेस्ट कहाँ आएंगे, स्टेज पर आएंगे, और स्टेज पर आगे क्या कहेंगे, फिर हम सीजी ऑन स्टेज कर देंगे, यानी चीफ गेस्ट जो है वो कहाँ आ जाएंगे, स्टेज पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर वो एक छोटी सी अपनी स्पीच देंगे, स्पीच के बाद हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि हर प्रोग्राम में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है कि नहीं। और ऑल सीम्ड हैप्पी, वाला एक सेंटेंस लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट का ये क्या है सर, मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखो कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको फंक्शन अटेंड करने के लिए दिया जाए, जिसमें आपको अगर एक 100 से 125 वर्ड में रिपोर्ट लिखनी हो, तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको उस रिपोर्ट को रटना नहीं है। देयर इज नो नीड टू क्रैम दैट रिपोर्ट और एनीथिंग। यू नीड टू मेक सम शॉर्ट काइंड ऑफ टॉपिक्स, पॉइंट्स, एंड यू कैन फॉलो देम। जैसे कि सपोज करो कि स्कूल के अंदर कोई भी कोई भी फंक्शन होता है, वो फंक्शन दोस्तों मुझे एक बताओ, उसका कोई ना कोई नाम होगा, वो कभी ना कभी मनाया जाएगा, कहीं ना कहीं मनाया जाएगा, और उसको कोई ना कोई मनाएगा। ये हु नहीं है, हाउ है, ठीक है, इसको हाउ कर दीजिएगा। कैसे मनाया, ठीक है, किसने मनाया, ये भी तो होगा। अब भाई फंक्शन मनाया गया है तो कोई ना कोई तो होगा ना इंसान जो उसको मनाया होगा, जिसने मनाया होगा, चीफ गेस्ट। अब हर फंक्शन का कोई ना कोई छोटा मोटा एक चीफ गेस्ट होता है, उसकी हम क्या लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया, ठीक है ना। वेलकम करेंगे हम उनका, शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम होता है एक, क्योंकि चीफ गेस्ट आएगा तो उसका प्रोग्राम भी होगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑन द स्टेज, सब कुछ हो जाने के बाद प्रिंसिपल साहब आपको पता है स्टेज पर जाते हैं, वो स्टेज पर जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं चीफ गेस्ट से, वो स्टेज पर आते हैं, स्टेज के बाद वो स्पीच देते हैं, और स्पीच देने के बाद लगभग प्रोग्राम जो होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम हम यहीं कर चुके हैं, ये शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम यहीं कर चुके हैं। तो कल्चरल प्रोग्राम की बात हम ऊपर ही लिख चुके होंगे, स्पीच देंगे और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्राम खत्म होने को आता है तो एक तुम्हें पता होगा बच्चों के अंदर प्राइज वगैरह बांटी जाती है, ठीक है, और उसके बाद फाइनली सब लोग खुश देखते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप पॉइंट भूलेंगे नहीं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। अब मैं इसी को क्वेश्चन में पिरो कर देखता हूं और किस तरीके से आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है उसके बारे में बताता हूं। पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ आएगा राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन
एनुअल फंक्शन विच वॉज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ ट्वेल्थ क्लास या क्लास ट्वेल्थ भी लिख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें एक बात समझ में आती है कि इसने लिखा है कि राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी एक 100 शब्दों में आपको रिपोर्ट लिखनी है। किस पे लिखनी है? ऑन एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन ही प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, यह ध्यान रखिएगा। 2015 या 16 की घटना है, मेरा एक स्टूडेंट था जिसको मैंने एनुअल फंक्शन करवाया एग्जाम में, यानी क्लास में, और पेपर में आ गया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ कर आ गया। मैंने उसे कहा बेटा छोड़ा क्यों? तो मुझे कहता है सर आपने एनुअल फंक्शन करवाया था और यहाँ पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। तो मैंने कहा मूर्खानंद सारे के सारे फंक्शन एक जैसे ही होते हैं। एनुअल फंक्शन जो कि वार्षिक उत्सव होता है, ठीक है, जो वर्ष खत्म होने पर मनाया जाता है, अरे प्राइज भी तो उसी समय दिए जाते होंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी को भी प्राइज देते हैं, गांधी जयंती को भी प्राइज देते हैं, तो सारे फंक्शन एक जैसे ही होते हैं। तरीका ये अगर फॉलो करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। एनुअल फंक्शन लिखना है जो कि आपके स्कूल ने मनाया था। आपके स्कूल ने मनाया था मतलब आप स्टूडेंट हैं। तो मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया कि रिपोर्ट दो तरीके से लिखाई जा सकती है, या तो आप रिपोर्टर होगे या फिर आप स्टूडेंट होगे, ठीक है। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ट्वेल्थ क्लास, आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बात आती है कि सर सब समझ में आ गया, अब करना क्या है ये बताओ। सब कुछ करना है, लेकिन अब सुनो कि रिपोर्ट लिखने के मैंने कुछ रूल्स बताए थे, वो रूल्स ध्यान रखने हैं। तो पहले हम रूल्स डिस्कशन कर लेते हैं, आप इन्हें लिख लीजिए मेरे साथ साथ ताकि आपको समझ में आ जाए आराम से। मैं रूल्स को कुछ कैटेगरीज में बांट दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट पर जाकर खत्म होता है, यानी कि यदि आपके सेंटेंस की हिंदी आ ई उ, ये छोटे मोटे आ ए ई समझ जाना, छोटी बड़ी चीजों भी है, ठीक है ना, या ऐसे शब्द अगर आ जाए अगर आपके पीछे, जैसे कि मनाया, खाया, गया, हंसा, रोया, पिया, ऐसे ही कर लो, तुम एक काम करो इसको हटा दो, जैसे कि आया, गए, पिए, देखे, लिखी, ऐसे शब्द जिनके पीछे आ ए ए की मात्रा आती हो, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता हो और अगर उसमें कर्ता खुद काम करता हो, कर्ता खुद काम करने का मतलब यह है कि जैसे मैंने बोला एक्स वाई जेड स्कूल ने एनुअल फंक्शन मनाया, तो मनाने का काम किसने किया? एक्स वाई जेड ने मनाया। तो अगर कर्ता खुद काम करता हो तो क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। सब्जेक्ट लगाओगे, वी टू लगाओगे एंड ऑब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, वी टू लगाओगे एंड ऑब्जेक्ट लगाओगे। लेकिन उसके बाद अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए, मान लो कि फंक्शन मनाया गया, मैंने कहा फंक्शन मनाया गया, अब मुझे बताओ ये फंक्शन किसने मनाया, फंक्शन मनाया गया ये फंक्शन किसने मनाया? तुम कहोगे सर इस सेंटेंस में तो पता ही नहीं चल रहा कि फंक्शन किसने मनाया। जब ये ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस में काम करने वाला दिखता ही ना हो, जब सेंटेंस में काम करने वाला दिखता ही ना हो और हिंदी यही आए, सेम की सेम हिंदी, ठीक है, तो उस समय आपको सब्जेक्ट लगाना है, वॉज एंड वर्ड लगानी है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ड लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद बाय के साथ सब्जेक्ट लगाना है। इस तरीके से सेंटेंस खत्म होगा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ बाय लिखता हूँ और बाय के बाद तुम्हें वापस लिख देता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज एंड वर्ड लगाना है, ठीक है, फिर वी थ्री लगाना है, वी थ्री के बाद बाय लिखना है और बाय के साथ तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। इस तरीके से तुम्हें तुम्हारा पूरा का पूरा क्या लिखना है, सेंटेंस बनाना होगा। समझ में आ गया? एस यू बी कर दो। चलो ये हो गए वो सेंटेंस, ध्यान रखना जिसमें सब्जेक्ट दिखेगा वो तो सेंटेंस ये हो जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिखता है उसमें ये हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे बनाया गया एक्स वाई जेड द्वारा, एक्स वाई जेड द्वारा, ए बी सी डी द्वारा, पुलिस के द्वारा, राजीव के द्वारा, मेरे द्वारा, अगर द्वारा आ जाए सब्जेक्ट के साथ,
ठीक है, फंक्शन मनाया गया तो भी ये वाला फॉर्मूला ही होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, मैंने कहा जिसमें सब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट वी टू और ऑब्जेक्ट लगाना है, जिसमें सब्जेक्ट ना हो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट के साथ द्वारा हो उसमें भी यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए, था, थी, थे, अगर ये आ जाए। ठीक है, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लगाना है, वॉज और वर लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है और नाउन लगा देना है। देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला दिखने में बड़ा नया है लेकिन ये फॉर्मूला बहुत आसान है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ राम एक अच्छा लड़का था, तो राम वॉज अ गुड, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताने वाला शब्द, गुड बॉय, नाउन, नाम, नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। मोहन एक अच्छा लड़का था तो क्या बोलेंगे, मोहन वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, ये स्कूल बहुत बड़ा था तो क्या लिखेंगे, दिस स्कूल वॉज वेरी बिग। ठीक है, अब बिग हमारे पास नाउन नहीं है, बिग एक एडजेक्टिव है, तो जो शब्द है वो लिख दीजिएगा, नहीं तो हटा दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो विशेषता बताता है। अब ध्यान रखना, ये विशेषता इस सब्जेक्ट की भी बता सकता है, ये विशेषता इस नाउन की भी बता सकता है, तो इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर ध्यान रखें कि नाउन क्या होता है, बेटा नाउन एक नाम होता है, कोई भी नाम, ठीक है, राम, श्याम, सीता, गीता, स्कूल, स्कूल भी एक नाम है, लेकिन कौन सा स्कूल है ये पता नहीं, लेकिन स्कूल एक नाम है कि नहीं है। मैं कहता हूँ टेबल, पंखा, गाड़ी, ये सब भी अपने आप में एक नाम है, तो जो नाम होता है वो सबसे पीछे लिखेंगे, और अगर नाम पहले ही लिख दिया है तो फिर वापस लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिख के बता दूँ ताकि तुम समझ जाओ, मैं कहता हूँ यह स्कूल बहुत बड़ा था, यह स्कूल बहुत बड़ा था, तो इसकी मैं इंग्लिश बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा, दिस स्कूल, सब्जेक्ट आ गया, दिस स्कूल, वॉज या वर, वॉज लगा दो, फिर क्या लगाना है, वेरी बिग, एलो। अब बिग क्या है, विशेषता है, कितनी बिग, के बहुत ज्यादा बिग, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, एडजेक्टिव और एडवर्ब बन गए। अब मेरे पास नाउन नहीं है तो मैं नाउन छोड़ दिया, पीछे जो शब्द नहीं है वो हटा दो। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, इट वॉज अ बिग स्कूल, इट वॉज अ बिग स्कूल, इट सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, बिग एक एडजेक्टिव हो गया, और स्कूल का एक नाम होता है तो पीछे लिख दिया। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सेंटेंस बनाते हो, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, ये चार फॉर्मूले हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं मेरे दोस्तों, इनको आप लिखिए, इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखकर आपको बताता हूँ। एक आधा कोई सेंटेंस ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसको समझ लेना है, बाकी पूरी की पूरी रिपोर्ट इसके ऊपर लिखी जा सकती है। टेक योर टाइम, राइट दिस, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जल्दी भाग सकें आगे। लड़की मेरा दिल दीवाना बोले आले 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 आले। चलिए फटाफट लिख लो, देखो फटाफट लिखोगे तो मैं फटाफट आगे भी समझाता जाऊंगा, जल्दी करिए फटाफट। देखो चलो, तो उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं फटाफट से, झटाझट से, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए गी कैसे रिपोर्ट लिखते हैं। अब रिपोर्ट का सबसे बड़ा तरीका ये होता है दोस्तों कि पेपर के बीचों बीच में आपको हेडिंग लगानी होगी, पेपर के बीचों बीच में आपको हेडिंग लगानी होगी। तो टॉपिक किसके ऊपर है, एनुअल फंक्शन के ऊपर है, तो लिख दो इसको, कर दो अंडरलाइन, कर दिया अंडरलाइन। ठीक है, पेपर के बिल्कुल ऊपर बीचों बीच में हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक बात याद रखना, पेपर की चार लाइनें छोड़ दिया करो स्टार्टिंग में। जब भी कोई सात नंबर का क्वेश्चन अटेंड करते हो ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चार लाइन छोड़ दो, पांचवी लाइन से हेडिंग लगाओ। ठीक है कि नहीं है, पांचवी लाइन से हेडिंग लगाओ। किसी को लग सकता है कि ये बेवकूफ़ी है, लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं है। आप जब पेपर भरते जाएंगे और जब आपकी रिपोर्ट बड़ी होती जाएगी, तब आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया आइडिया है।
तीन लाइनें ऊपर छूट गई, चार लाइन ऊपर छूट गई, दो तीन लाइन नीचे छूट जाएगी, पेपर के बिल्कुल बीचों बीच में रिपोर्ट शानदार लगेगी। ठीक है कि नहीं? पूरा पेपर वैसे ही भरने वाला नहीं है, इसलिए हमें पेपर को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको मैनेज करना है। इसके आसपास में बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अब इसे कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट लगानी है। क्या करना है? डेट लगानी है। किसी भी तरीके से आप डेट लगाइए, क्या फर्क पड़ता है, डेट लगाने में कोई तकलीफ थोड़ी है। क्या डेट लगाने में भी किसी को तकलीफ है? ठीक है, तो अब डेट लगाने का तरीका क्या होगा सर? AUG 17, ठीक है, जोधपुर डैश, इस तरीके से डेट लगानी है। और इसके ठीक नीचे की लाइन से, इसके ठीक नीचे की लाइन से हमें स्टार्ट करना है। क्या मनाया गया? एनुअल फंक्शन। तो क्या बोलेंगे? द एनुअल डे फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। अब मान लो कि तुम आज रिपोर्ट लिख रहे हो और आज 17 तारीख है, तो एनुअल डे फंक्शन तो पहले ही मना लिया गया होगा। मैंने क्या बोला, रिपोर्ट हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है, सॉरी भूतकाल की घटना के बारे में लिखी जाती है। तो ये भी तो जो एक फंक्शन है वो भूतकाल में बीत चुका है। ठीक है, तो सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त कर दो। ठीक है, इन द स्कूल असेंबली by XYZ senior secondary school। समझ में आया कि नहीं आया? इस एक लाइन के अंदर देख लो तुम इन सब के आंसर हैं, व्हाट का, व्हेन का, वेयर का, हाउ का, बाय होम का। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो विद पंप एंड शो। विद पंप एंड शो हाउ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त इन द स्कूल असेंबली बाय XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद पॉम्प एंड शो, पॉम्प POMP एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब होता है दोस्तों धूम धड़ाके के साथ। ठीक है, हालांकि मुझे ये विद पॉम्प एंड शो आगे लिखना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया, और कॉमा लगाते ही आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है चीफ गेस्ट। किसके द्वारा मनाया गया? तो XYZ कंपनी या स्कूल के द्वारा मनाया गया। मैंने सारे जवाब दे दिए हैं। व्हाट, व्हाट का मतलब हो गया एनुअल फंक्शन, व्हेन 15 तारीख को, वेयर स्कूल असेंबली में, हाउ पॉम्प एंड शो के साथ, बाय होम किसके द्वारा, इस स्कूल के द्वारा। तो अब देख लो तुम, मैंने दो पॉइंट के जवाब दो लाइन में दे दिए हैं। ठीक है कि नहीं? अब आता है कि आगे का पॉइंट क्या कहता है, चीफ गेस्ट। तो किसी का भी नाम लिख दो, मिस्टर ABC was the chief guest of this function। ठीक है, इस function के ABC जो थे वो क्या थे, chief guest थे। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन है आप ये भी बता सकते हैं कि ABC कौन है। ठीक है, ABC को बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, he is the collector of Jodhpur district। ठीक है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के को क्या है, कलेक्टर है। आगे आता है वेलकम करो, तो हम क्या कहेंगे, उनका स्वागत किया गया। स्वागत किसने किया ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उनका स्वागत कैसे किया गया। तो क्या लिखेंगे, he was welcomed by the principal and the seniors। ठीक है, उनका स्वागत प्रिंसिपल और सीनियर्स ने किया with garlands ठीक है, किसके साथ किया, garlands के द्वारा किया, यानी कि मालाएं पहनाकर उनका स्वागत हुआ, ये पूरा का पूरा। शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम, अब जब सब कुछ हो गया है तो हम इंतजार किसका, चीफ किसका कर रहे थे, चीफ गेस्ट का। चीफ गेस्ट आ गए तो फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंड देन या आफ्टर दिस, दिस अ शॉर्ट
कल्चरल प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड इन दिस। ठीक है, एक छोटा सा कार्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रेजेंट किया गया। ठीक है, प्रेजेंट किया गया इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या था तो आप ये लिख सकते हो, इट हैड मतलब इसमें थे क्या क्या थे, ड्रामा, सॉन्ग्स, ठीक है, म्यूजिक एंड स्पीच, इसमें भाषण, गाना बजाना, म्यूजिक सब कुछ था। ठीक है, ये इसकी तारीफ हो गई। अब बात आती है कि द प्रिंसिपल ऑन द स्टेज आफ्टर दिस या आफ्टर इट आवर ऑनरेबल आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल रीज्ड ऑन द स्टेज, या रीज्ड की जगह केम लिख देते हैं अच्छा रहेगा। ठीक है, केम ऑन द स्टेज एंड प्रेज्ड ऑल द स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रेज किया। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रेज किया, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वेस्ट टू चीफ गेस्ट आएंगे, सब ये फिक्स है। अब मुझे ये बताओ, ऐसी रिपोर्ट में क्या ऐसा है जो आप नहीं लिख सकते? भाई गांधी जयंती हो तो भी सेम का सेम, 26 जनवरी हो तो भी सेम का सेम, चीफ गेस्ट को ऊपर बुलाकर बस झंडा फ्लैग करवाना है और क्या करना है, फ्लैग कर देंगे उसको, फ्लैप कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, अब ही रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट टू कम ऑन द स्टेज ठीक है, टू कम ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर आ जाओ, सॉरी आ गए। ठीक है, ही मेड अ शॉर्ट स्पीच उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्या कहा, स्पीच दी तो कुछ कहा होगा। ठीक है, ही टोल्ड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मेरे पास अब जगह नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख लीजिएगा, मैंने इस टाइटल को भी हटा दिया है। ठीक है, समझ जाएंगे आप, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये उनकी स्पीच हो गई। स्पीच के बाद क्या करना है, देखो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स हु गॉट मेरिट इन 10th and 12th class classes कर देते हैं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं में जिन्होंने मेरिट हासिल करी थी, क्लासेस आपको सही नहीं दिख रहा, चलिए यहाँ लिख देते हैं, टू ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स हु गॉट मेरिट इन 10th and 12th classes वर गिवन प्राइजेस, उन्हें प्राइजेस दिए गए। ठीक है, उन्हें सम्मानित किया गया, ये प्राइज का काम खत्म हो गया, बाय द चीफ गेस्ट लिख देंगे, बाय द चीफ गेस्ट। ठीक है, आगे देखो, ऑल सीम्ड हैप्पी, अब इतना अच्छा फंक्शन रहा है तो सारे लोग खुश भी होंगे। ठीक है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, एवरीबॉडी
सीम्ड वेरी हैप्पी, ठीक है, सब लोग बहुत खुश दिखे. इट हैड बीन अ ग्रेट फंक्शन, अ ग्रेट फंक्शन, सारे लोग बहुत खुश दिखे. तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है. ये आपका रिपोर्ट का पूरा टाइटल है, आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट है. अब मैं आपको इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में 2-4 मिनट में किस तरीके से मैंने फॉर्मूलों का यूज़ किया है वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें. द एनुअल डे फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड. देखिए दोस्तों, वॉज वर्ब के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है. दूसरे नंबर पर जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया, चेक करो, ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है. तो द एनुअल फंक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, यस, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म हो गई ऑन 15 अगस्त. ये बचा कुचा जो होता है अदर वर्ड्स हम सेंटेंस के बीच में या बाद में रखते हैं. इन द स्कूल असेंबली बाय एक्स वाई जेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद पंप एंड शो. अब दिख रहा है ये बाय के साथ सब्जेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है. और ये बचा कुचा जो है डेट प्लेस वगैरह जो है, आप चाहो तो बाय के पहले लिखो या फिर बाद में लिखो, आपकी मर्जी है, कोई रोकने वाला नहीं है. बोलो टन टन आ टन टन आ जाओ, ठीक है. तो ये मनाया. मिस्टर एबीसी वाज़ द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन. अब इस दोस्तों इस फॉर्मूले को, इस लाइन को चेक करो, कौन से फॉर्मूले से आई है. मिस्टर एबीसी सब्जेक्ट हो गया, बोलो हाँ या ना. ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है. चीफ गेस्ट ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, नहीं है. अरे बोलो तो सही, चीफ गेस्ट, चीफ, चीफ उसकी, चलो कोई बात नहीं, चीफ उसकी क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई, ठीक है, ये उसकी विशेषता हो गई. और गेस्ट हो गया नाउन, और बचा कुछ आप पीछे लिख दिया ऑफ द फंक्शन. सेम का सेम फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला ये, ठीक है. ही इज द कलेक्टर ऑफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट. अब मैंने यहाँ इज आर एम क्यों लगाया, क्योंकि यार कलेक्टर तो वो अभी भी है, ठीक है कि नहीं. तो ही इज द कलेक्टर ऑफ जोधपुर, तो मैंने ये का ये फॉर्मूले में इज लगा दिया, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस फिक्स है, देख लो बोले. तो ही वॉज वेलकम्ड बाय, देखो वॉज के बाद थर्ड फॉर्म दिख रही है, यानी पैसिव वॉइस है फिर से, ठीक है. वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म दिख रही है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है फिर से. बाय द प्रिंसिपल एंड सीनियर विद गार्लैंड्स. अब मुझे ये बताओ तुम सोचकर कि जब बाय के साथ सब्जेक्ट आता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है. तुम कहोगे सर सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला होता है, जिसमें आया गया हंसा रोया पिया में किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है. तो ही वॉज वेलकम्ड बाय द प्रिंसिपल एंड सीनियर. अब ये ही कौन है, ये चीफ गेस्ट. चीफ गेस्ट का स्वागत प्रिंसिपल और सीनियर्स के द्वारा किया गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है, समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है. आफ्टर दिस, इसके बाद अ शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड. देखो फिर से क्या आया, वॉज प्रेजेंटेड, यानी कि ये थर्ड फॉर्म हुई फिर से. इन दिस इट हैड, इसमें थे, इट हैड, हैज और हैव आता ना तो उसका मतलब पास में होता है, ठीक है. तो इट हैड यानी इसमें थे, क्या थे, ड्रामा, सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड स्पीच. इसमें गान बजान, संगीत, ड्रामा, स्पीच सब कुछ था. आफ्टर इट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रिंसिपल केम ऑन द स्टेज. ये कौन सा फॉर्मूला है. अब मुझे बताओ, प्रिंसिपल जो है वो खुद चल के ही तो स्टेज पर जाएंगे, ठीक है, तो खुद काम करेंगे, तो खुद काम करेंगे तो सेकेंड फॉर्म लगे, देखो कम का केम कर दिया मैंने. ऑन द स्टेज एंड प्रेज्ड, प्रेज्ड मतलब होता है हौसला बढ़ाना, किसी की तारीफ करना, है ना. प्रेज्ड ऑल द स्टूडेंट्स, और उन्होंने सभी स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया, उनकी तारीफें करी. ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, देखो रिक्वेस्ट करने का काम भी तो खुद ही करता है इंसान. तो ही रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट, किससे रिक्वेस्ट करी, चीफ गेस्ट से. ये देखो सब्जेक्ट आ गया, वी टू आ गया. अब तुम कहोगे सर वी टू और वी थ्री में पता कैसे चलेगा, दोनों एक जैसी होती हैं. तो ढंग से सुनना, अगर वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, यदि वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो फिर वो थर्ड फॉर्म है, नहीं तो वो सेकंड फॉर्म है. अब देख लो, ही और रिक्वेस्टेड के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, तुम कहोगे नहीं है सर, तो ये सेकंड फॉर्म है. तो ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने तारीफ का, सॉरी रिक्वेस्ट करी द प्रिंस, टू द, टू लगा ना, रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट, रिक्वेस्ट करी चीफ गेस्ट टू कम ऑन द स्टेज, क्या करने के लिए, स्टेज पर आने के लिए. ही मेड, देखो ही और मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, यानी उन्होंने खुद ने काम किया. ही मेड अ शॉर्ट स्पीच टू ऑल द स्टूडेंट्स. ही टोल्ड, फिर से टोल्ड आया, टोल्ड यानी सेकेंड फॉर्म होती है, और ही के और टोल्ड के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब है फिर से सेकेंड फॉर्म हुई. द वैल्यू ऑफ एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स. ऑल द स्टूडेंट हु गॉट मेरिट इन 10th एंड 12th क्लासेज वर गिवन प्राइजेज बाय द चीफ गेस्ट. अब देख लो, बाय द चीफ गेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस है. ऑल द स्टूडेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया,
ठीक है, हु लगा दिया, गॉट लगा दिया, मेरिट लगा दी, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने भी क्या कहते हैं मेरिट गॉट करी थी टेंथ और ट्वेल्थ क्लास में, उनको क्या दी गई, उनको क्या दी गई, उनको दिए गए प्राइजेस। एवरीबडी सीम्ड हैप्पी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर से आ गई। इट हैड बीन अ ग्रेट फंक्शन, हैड बीन का मतलब होता है रहा, रही, रहे, ठीक है, ये फंक्शन बहुत अच्छा रहा, ऐसा करने के लिए हम ऐसे रिपोर्ट लिखते हैं। तो फाइनली दिस इज द वे टू मेक अ रिपोर्ट एंड आई टोल्ड यू द होल वे ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। फाइनली इस तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। 12वीं के कोर्सेज हमारे गुरुज आश्रम के इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है, अपनी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आप हमारे 12th क्लास के बैच को सिर्फ और सिर्फ 1599 रुपए में खरीद सकते हैं। हम 4000-5000 पर सब्जेक्ट की फीस नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 1599 में आपको पूरे साल भर के नोट्स, वो भी लाइव क्लास पढ़ा कर देंगे। आप हूबहू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस गुरुज प्लेस प्लेटफॉर्म के आश्रम पर। इस आश्रम को आप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में और आप हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन को, 12th क्लास को पंख लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे इस यूट्यूब को जितना प्यार दे सकें उतना बहुत अच्छा है, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।